दोस्तों, यदि आपका उम्र 18 प्लस है तो किस तरह से आप कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाके कोविन रजिस्ट्रेशन लिखना है। कोविन रजिस्ट्रेशन लिख के सर्च कर लेना है। आप लिखते जैसे ही सर्च कीजिएगा, आपके सामने जो फर्स्ट आएगा वह ओपन कर लेना है। यहाँ पे आते ही आपको नीचे आना है। नीचे आइए, यहाँ पे रजिस्टर या साइन इन योर सेल्फ, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर डाल लीजिए। हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल लिया है, अब ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे ही गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, एक ओटीपी भेजा जाएगा। देखिए ओटीपी चला गया है, और वो ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। हम वहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ओटीपी डाल लिए हैं। देखिए यहाँ पे ओटीपी जो आया था वो डाल लिए हैं। अब यहाँ पे वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। बहुत कम समय में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए पूरा देख के जाइएगा। अब यहाँ पे हम रजिस्टर मेंबर पर हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर पर 4 आदमी को जोड़ सकते हैं। आगे हम यहाँ पे फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पे चुन लेंगे। इसमें हम आधार कार्ड डालेंगे, और अब उसके नीचे आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे। आधार कार्ड नंबर डाल के हम आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पे हम आधार नंबर डाल लिए हैं। अब यहाँ पे नाम जिस तरह से आधार कार्ड में है उसी तरह सेम टू सेम लिख देना है। हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह का नाम है उस तरह से हम लिख लिए हैं, और उसके नीचे मेल हो या फीमेल हो लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे मेल। उसके बाद हम यहाँ पे ईयर ऑफ बर्थ, यानी आपका जो ईयर ऑफ बर्थ यानी 1995 का आपका डेट ऑफ बर्थ है, या 1996 का है, या 1991 का है, यहाँ डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं। हम यहाँ पे ईयर डाल लिए हैं। अब यहाँ पे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर पर क्लिक होते ही हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आगे क्या करना है मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे हम शेड्यूल कर लेंगे। शेड्यूल नाउ करेंगे, आप सर्च पिन से भी कर सकते हैं या सर्च बाई डिस्ट्रिक्ट से भी कर सकते हैं। तो अच्छा रहेगा कि अपना पिन कोड डाल के ही आप सर्च कर लीजिए। हम सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे सर्च कर रहे हैं तो आ जा रहा है। अभी यहाँ पे एज जो 45 प्लस है उनका अभी हो रहा है। अभी जब 18 प्लस का जब वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट होगा तो आप यहाँ पे ऐसे ही कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब शेड्यूल जब जारी होगा तब आपको पिन कोड अपना डालना है। पिन कोड डाल के आपका जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल होगा उस पर क्लिक करके आपको अपना वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कर देना है, और वहाँ पे जाके वैक्सीन ले लेना है। इसी के साथ मैं अपना शब्द ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।